पारशिवनी शहर के शिवाजी महाराज मुख्य चौराहे पर बरसों से खाली जगह पर छोटे बड़े दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर दुकानें लगाई गई थी, जहां मुख्य रास्ते के किनारे दुकानें लगाई जाने से मुख्य रास्तों पर वाहनों के आने जाने में हमेशा परेशानी होती रहती है। जहां पर चाय, पान ठेला, आइसक्रीम, पाव भाजी, चाइनीज फ्रेस की दुकानें तथा और भी दुकानें लगाने से शिवाजी महाराज चौराहे पर वाहनों का जमघट हमेशा लगा रहता था, जिससे इस चौराहे पर हमेशा बड़ा हादसा होने का डर लोगों में रहता था। दरअसल नगर पंचायत प्रशासन द्वारा शिवाजी महाराज चौराहे का सौंदर्यीकरण करने का फैसला नगर पंचायत प्रशासन द्वारा लिया गया है, जिसके चलते शिवाजी महाराज चौराहे का अतिक्रमण निकाल कर वहां पर सौंदर्यीकरण करने के लिए कदम उठाते हुए पारशिवनी नगर पंचायत प्रशासन के मुख्य अधिकारी के द्वारा इन दुकानदारों को दुकानें हटाने के लिए पहले ही पत्र देकर सूचित किया गया था, जिसके चलते मुख्य अधिकारी अर्चना वंजारी और नगर पंचायत कर्मचारियों का दल मंगलवार को सुबह अतिक्रमण निकालने की कार्यवाही करने शिवाजी महाराज चौराहे पर पहुंचे थे। अतिक्रमण निकालने की कार्यवाही की खबर जैसे ही दुकानदारों को मिली, वैसे ही दुकानदारों में खलबली मच गई। वहीं दुकानों पर रखा सामान, दुकान जब्त होने का डर होने से खुद ही दुकानदारों ने अपनी दुकान हटाने के लिए आगे आए। वहीं नगर पंचायत प्रशासन ने किसी भी दुकानदार पर जोर जबरदस्ती न करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरी की है। किसी अप्रिय घटना न होने से नगर पंचायत प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। इस कार्यवाही में नगर पंचायत प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। शहर के मध्य क्षेत्र में दुकानें लगाने से यहां के छोटे बड़े दुकानदारों को रोजाना रोजगार मिलता है, जिससे उनका परिवार का पालन पोषण भी होता है। लेकिन आज हुई इस कार्यवाही से कई दुकानें उजड़ जाने से उन पर रोजगार के अवसर छिन गए हैं, जिसके चलते अब परिवार का पालन पोषण करना भी असंभव नजर आ रहा है। नगर पंचायत प्रशासन ने पहले हमें रोजगार के लिए पर्याप्त जगह मुहैया कर हमें दुकानें लगाने के लिए जगह उपलब्ध करानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं करने से हम पर भूखमरी की नौबत आई है। इसी तरह की नाराजगी दुकानदारों ने भी जताई है। पारशिवनी से BCN संवाददाता रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।